राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता जैन को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान सिंह लाबराव ने संगठन के राष्ट्रीय संयोजक महावीर पारिक की अनुशंसा पर टीम का विस्तार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा कि सामाजिक परिवर्तन व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संगठन की महिलाओं की भूमिका समाज में अहम व नेतृत्वकारी की होती है, इसलिए समाज सही दिशा में जाए इसकी देखरेख का जिम्मा महिलाओं द्वारा उठाया जाए, साथ ही न्याय तक सभी की पहुंच सुलभ हो सके इसके लिए सभी मिलकर संगठन को मजबूत करने के लिए जी जान से प्रयत्न करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते हुए आरटीआई व मानवाधिकार के क्षेत्र में निष्ठा व लगन को देखते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त अजमेर निवासी श्रीमती सुनीता जैन को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन के महिला प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। नवनिर्वाचित महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन ने मुझे दायित्व सौंपा है, उसको मैं कर्तव्य निष्ठा से निभाते हुए संगठन को संपूर्ण भारत में मजबूती की ओर ले जाऊंगी। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार ने देश को दीमक की तरह नष्ट कर दिया है, उस पर लगाम लगाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारियों की टीम तैयार करते हुए संगठन को आर्थिक मजबूती के साथ जरूरी सुधार के सभी प्रयत्न किए जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ।